अंबाला मंडल का चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन बनने जा रहा है पहला कैशलेस रेलवे स्टेशन। सभी टिकटार्थियों को कैशलेस पर मिलेगी 5% छूट। मंडल रेल प्रबंधक ने बताया कि सरकार की योजना रेल यात्रियों को मिले फायदा। केंद्रीय रेल मंत्रालय अब रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सुविधा के लिए कैशलेस सुविधा देने की योजना बना रहा है, जिससे रेल में सफर करने वाले यात्रियों को अब क्रेडिट और डेबिट कार्ड से टिकट लेने पर 5% की छूट मिलने की बात कही जा रही है। इससे जहां अब पॉकेटमार किसी यात्री की जेब पर हाथ साफ नहीं कर पाएंगे, वहीं मंडल रेल प्रबंधक अंबाला का कहना है कि विभाग देश के सभी रेलवे स्टेशन पर यह सुविधा देने जा रहा है, लेकिन चंडीगढ़ इस मामले में पहला कैशलेस स्टेशन बनने जा रहा है। इसकी पुख्ता जानकारी नहीं है, यह हमारे लिए गर्व की बात है। वैसे रेलवे मंत्रालय सारे स्टेशनों को कैशलेस करने की योजना बना रहा है, लेकिन आप कह रहे हैं कि चंडीगढ़ सबसे पहला बनने वाला है, तो ये मेरे को आपसे ही सूचना मिल रही है। अभी तक हमारे पास में इस तरह का कोई ऑफिशियल कम्युनिकेशन नहीं आया है, लेकिन ये हमारे लिए गर्व की बात होगी। कुछ और भी इसमें छूट मिलेगी कस्टमर को? जी, अभी रेलवे मंत्रालय ने डिसाइड किया है फाइनेंस मिनिस्ट्री के कंसल्टेशन में कि जो भी कैशलेस ट्रांजेक्शन्स होंगे उसमें दो मेजर बेनिफिट्स होंगे। एक तो उन पर कोई सर्विस टैक्स नहीं लगेगा, ट्रांजेक्शन लेस देन 5,000 रुपीज़ है, और दूसरा उसमें रिबेट भी मिलेगा। जैसे आप कोई भी टिकट आप रेलवे से खरीदेंगे तो 0.75% की उसमें कंसेशन भी मिलेगी, तो काफ़ी अच्छे बेनिफिट्स हैं। और दूसरा इनडायरेक्ट बेनिफिट्स भी होंगे, जो हमें कैश ट्रांजेक्शन में जो स्टाफ लगाना पड़ता है या जो एक्सपेंडिचर होता है, तो वो भी हमारे रेलवे की डायरेक्ट बचत होगी। तो इसमें कुछ टिकट वगैरह भी जाकर कैसे होगा? जी, जैसे आपको आजकल आप किसी भी मॉल में जाते हैं, अपना डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड को स्वैप करते हैं और जो भी आपकी अमाउंट रहती है उससे डिडक्ट हो जाती है, तो वैसा ही सिस्टम उसमें अडॉप्ट होगा। लेकिन सारी मॉडलिटीज़ कैसे होंगी, किस बैंक से टाई अप होगा, सारे बैंक से होगा, वो सारा चीज़ हमारे मंत्रालय स्तर पर सॉर्ट आउट किया जा रहा है। गाड़ी में जब टिकट मांगी जाएगी तो कैसे, मोबाइल पे मैसेज दिखाएंगे? जी हाँ, वो भी है, मतलब मोबाइल पे मैसेज तो अभी भी, जैसे आप IRCTC से टिकट बुक करते हैं तो आपको अपनी हार्ड कॉपी उसको ले जाने की ज़रूरत नहीं है, आप उसमें जो अपना SMS आपके मोबाइल पर आया उसी को दिखा दीजिए और वही टिकट मानी जाती है, तो वैसा ही सिस्टम बन सकता है। तो लेकिन इसमें सारी अभी डिटेल्ड जो पॉलिसी गाइडलाइंस हैं वो अभी हमारे मंत्रालय से जारी होनी है। जैसे सबर्बन के ट्रेन्स में तो ये मोबाइल टिकटिंग के नाम से ऑलरेडी इसमें इंट्रोड्यूस किया जा चुका है। आज़ाद TV न्यूज़ के लिए अम्बाला से कृष्ण बाली की रिपोर्ट।